एक गरीब विधवा की दुख भरी कहानी, रिश्वत न देने की वजह से जागकर गुजारनी पड़ती है पूरी रात। न्यूज वन के लिए अमीन अहमद की रिपोर्ट। यूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, विधायक से लेकर सांसद, संसद से लेकर मंत्री तक आवास योजना को हर गरीब का हक बताते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा लगता है कि आवास योजना गरीब की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारी से लेकर नगर पंचायत के कर्मचारी तक पात्र व्यक्तियों से पैसों की मांग करते हैं और पैसे ना देने की वजह से गरीबों को अपने कच्चे और छप्परनुमा घर में ही जिंदगी बसर करनी पड़ती है। आज हम आपको जनपद बिजनौर के कस्बा बड़ापुर की रहने वाली एक गरीब विधवा के बारे में बताएंगे, जिसे रात को बरसात सोने नहीं देती तो दिन का उजाला भूखा होने की वजह से खाने को दौड़ता है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तो इस दुखियारी को भी आस जगी थी कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जब संबंधित अधिकारियों ने आवास के एवज में रिश्वत की मांग कर दी तो इस दुखियारी की आस अधूरी रह गई। यह है मोटी, जो बिजनौर के एक छोटे से कस्बे बड़ापुर में छप्पनुमा मकान में जीवन बसर करती है। एक तरफ खोखला सिस्टम है तो दूसरी तरफ गरीबी की मार, यह दोनों ही इस गरीब को सोने नहीं देते। रोजी रोटी का कोई जरिया ना होने की वजह से यह मांगकर अपना पेट भरती है। नगर पंचायत के कर्मचारी और संबंधित विभाग के अधिकारी आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में 10,000 रुपए की मांग करते हैं। रुपया ना होने की वजह से इस गरीब को अपने छप्पर वाले मकान में रहकर गुजारा करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी मोटी है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, तो क्या आपका जी हमसे तो पैसे मांग रहे हो? हम पैसे देंगे तो बनाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बनाएंगे। कौन पैसे मांग रहा है? नरपाल। यानी कि मकान बनाने के एवज में आपसे पैसों की मांग करी जा रही है, तो आप इस छप्पर में ही रहती हो? बस हम तो छप्पर में ही रह रहे हैं। तो क्या करूं? तो आपने फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म दोनों भरे हैं, लड़की ने भी मैंने भी। अच्छा, दो फॉर्म भरे हैं। तो नगर पंचायत के कर्मचारी आते हैं और आपसे पैसों की मांग करते हैं? तो जैसे बरसात का मौसम है, जितना टंकी माँ है, ये एक नरपाल दूहो, एक गोहो मुनीर, ये तीन चारों और एक बिजनौर का, सबने पैसे मांगे आपसे। कहाँ से देंगे 10,000 रुपये आपके पास? तो घर भी कुछ भी नहीं पाता। हम तो मांग मांग कर देखो, कपड़े भी मांग मांग कर पाए। हमारा कोई कमाने वाला नहीं, लड़का मारा नहीं, आदमी मारा नहीं, कोई मारा भैया भतीजे मारा नहीं, बाबा मारा नहीं, माँ मारा नहीं, तो बताओ हम किस अपना मांग रहे खा रहे हैं। मजदूरी भी ना हो रही, मांग लाऊँ मैं तो खा लूँ।